खाका खाका के लौवी मैंने इब्ताई नक्शा या ढांचा के हैं और खाका खींचना के मैनी हैं किसी की लफजी तस्वीर बनाना और अदबी असलाह में खाका ऐसी नसर है जो मख्तसार होने के बावजूद किसी शख्सियात का भरपूर असर पेश करे उसे किसी शख़्स की कलमी तस्वीर भी कह सकते हैं जिस तरह नावल और अफसाने में बड़ा फ़र्क है कि नावल में तफसील बयान की जाती है मगर अफसाना बड़ा मुख्तार होता है इस तरह सववा उमरी और खाके में ये फ़र्क है कि सवान उमरी में किसी शख्सियत की विलादत से वफात तक के हालात तो पेश वफात तक के हालात पेश किए जाते हैं मगर खाके में बड़े इकतसार के साथ मोटे मोटे खदाल बयान किए जाते हैं शवा उम्र के तवील होती है इसलिए उससे पढ़ने के लिए वक्त दरकार है मगर खाका एक ही नशस्त्र में पढ़ने की चीज़ है और आज का कारी वक्त की हर मुमकिन बचत करता है और तफ़ील में जाने के बजाय इकतसार को पसंद करता है यही वजह है कि लोग खाका लिखने की तरफ रागब हो रहे हैं एक उम्दा खाका की खूबी ये है कि जेर कलम शख्सियात की वाज कत्ता तराश खराश चार ढाल लबास ओ के वो लबासख्सियत कारी की नजरों के सामने चलती फिरती नज़र आती है खाके में हम उस शख्स की खूबियों के साथ साथ उसकी कमजोरियों से भी वाकिफ हो जाते हैं क्योंकि अगर खाका नवीस का कलम बेसाख्ता और शगुफ्त है तो वो जेरुन शख्स शख्सियत का हाल हकीकी ज़िंदगी से करीब रह कर बड़े सलीके के साथ बेकमकाश बयान करता है हर चंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब आब हयात में खाका निगारी के इब्तदाई नकूश ज़रूर मिलते हैं ताहम उर्दू के पहले बायदा खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग हैं जिन्होंने नज़ीर की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के अनवान से अपने उसाद मोहतरम डिप्टी नजीर अहमद का खाका लिखा अलावा अजी एक वसीयत की तकमील अलावा अजी एक वसीयत की तकमील और दिल्ली का एक यादगार मुशारा उनके काबिल फ़राम खाके हैं बे के बाद खाका निगारी में रशीद अहमद सदीकी की दो किताबें गांज है ग्राम माया और हम हमनफसान रफ्ता मौलाना चिराग हसन हसरत की मर्दा में देदा और जो है वो मौलाना मजीद साले की जराने कौन सलाम खुर्शीद की वे सूरत इलाही ये खाकों की अहम तरीन किताबें हैं जिनमें आपको मुख्त किस्म के खाके देखने को मिलेंगे जगन्नाथ आज़ाद की आंखें तरसती हैं मोहम्मद फ़ैल की मुअज़्ज़म और मुकरम अहमद बशीर की जो मिले थे रास्ते में रईस अहमद जाफरी की शानिद और शहद अहमद देलवी की किताब गंजीने गोहर के अलावा शहादत हसन मंटू के की लाउड स्पीकर गंजे फरिश्ते और मुमताज़ मुफ्ती की औखे लोग को अहम दर्जा हासिल है खाका निगारी का तस्करा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मौलवी हक की खाकों पर मबनी किताब चांद हम असर का ज़िक्र न किया जाए इस किताब को खाका नवीसी की सिर्फ में बड़ा ऊंचा मरतबा हासिल है बबाय उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने चांद हम असर में जहां अपने जमाने की चंद मरूफ हस्तियों के ख़ाक तहरीर किए वहीं नूर ख़ान और नामदेव माली जैसे मामूली और गैर मरूफ इंसानों को अजमत किरदार के बस जिंद जवैद कर दिया